अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। आज मैं देवनार की मंडी कवर करने आया हूँ। आज के दिन यहाँ देवनार में मंडी लगती है, तो इंशाल्लाह मंडी को कवर करते हैं, देखते हैं यहाँ के क्या अभी बारिश में यहाँ के हालात क्या चल रहे हैं। तो वीडियो देखो, पूरा कंप्लीट देखिए, चलते हैं आगे की तरफ। देवनार में अब हम अंदर जाएंगे, ये देवनार का गेट है। मेरे लिए कोई नई बात तो नहीं है जो देवनार का ये हाल आप देख रहे हैं। मैं अक्सर देवनार आता हूँ और बारिश में देवनार का यही हाल होता है। जैसे आप देख सकते हैं, एकदम एंट्री जहाँ से गेट और बकरे उतरते हैं, धक्का गेट जिसे बोलते हैं, बहुत बदहाल होता है। कीचड़, पानी और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि यहीं पे ट्रक से बकरे उतार के अनलोड होते हैं और एंट्री के लिए यहाँ गवाल लोग जमा करते हैं बकरे। इसमें ये एक आम बात है, जैसा कि आप देख रहे हैं बकरे जो रोड पे बंधे हैं, ये कट्टू का माल है जो कसाई लोग अपनी परचेस करके दुकान पे ले जाते हैं और उनसे काटने के लिए खरीदते हैं, परचेस करते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बकरे भीग रहे हैं और इनका इंतज़ाम नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिस्टम है, बारिश में भी यहाँ जिनकी जो जगह है वो यहाँ पे बकरे रखते हैं बेचने के लिए। लेकिन कुछ सिस्टम सुधारना ज़रूरी है, लेकिन अब अथॉरिटी के हाथ में है वो कैसा क्या करें और क्या करें। ये सब कट्टू बकरे हैं। अभी तक तो मैंने कुर्बानी के लायक कोई भी बकरा नहीं देखा जो दाती बकरा हो और कुर्बानी के लिए हो। ये एक बुरी चीज़ है, दो मरे हुए जानवर पड़े हैं और कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, ये अभी इनका क्या बोल नहीं सकते कुछ जानवर, अभी ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये सब बकरे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ हाल ख़राब हो जाता है बारिश होने के बाद। देवनार में हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और कोई ड्रेनेज का भी इनका कोई ख़ास सिस्टम नहीं है, क्योंकि दो साल पहले जब पानी भरा था वो टाइम पे भी मैं देवनार में ही था और मंडी में था, जब मैं भी काफ़ी तकलीफ़ देख चुका हूँ बारिश के मौसम की। इसीलिए मुझे डर लगता है कभी कभी देवनार में बकरा बेचने लाने के लिए। लेकिन अब जो तरीका है और मैं वो सिस्टम का हिस्सा हूँ, तो मुझे भी बेचने के लिए इधर ही बकरा लाना पड़ता है, जो मेरे एंटिक बकरे होते हैं वो सब। ये जगह भी आप देख सकते हो बारिश में कितना ख़राब हो जाता है जगह, शेड के नीचे भी सब पानी आते हैं, हर जगह कीचड़ हो जाता है। जो बकरे हमारे फार्म पे रहते हैं और हम उनको बड़े अच्छे से रखते हैं, और जो इधर लाने के बाद बकरों का बहुत बुरा और बदहाल हो जाते हैं बकरे। आप खुद ही अपने बकरों के बारे में सोच सकते हैं कि आप इतने अच्छे से बकरे रखने के बाद, वो बकरे जब देवनार में एंट्री होते हैं जो दिन, उतरने के बाद ही से वो बकरे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें आप, जब अगर बकरा बेचने के लिए देवनार में लाएँ तो पहले से काफ़ी इंतज़ाम, जैसे ताल पत्री होती है, इन लोग शेड बनाते हैं देवनार वाले, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश का बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि बारिश से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो वो कर लें और ज़मीन के लिए पायलट ले लें। और भी कई चीज़ें ऐसी होती है, जो ग्रिल आती है, जाली आती है बाउंड्री पे मारने के लिए, क्योंकि यहाँ के देवनार में लोग बाम्बू से रैक बनाते हैं, उसमें से अक्सर ऐसा होता है कि बकरे बाहर निकल जाते हैं। के लिए आप लोग जाली ले लें, जाली से वो कवर कर सकते हैं कि बकरे अपने बाड़े से बाहर ना जाएं। ये पीने का पानी है, यहाँ देवनार में इसी तरह से रहता है। मैं हंस रहा नहीं हूँ, लेकिन इंतज़ाम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ का सिस्टम। और दूसरी चीज़ ये कि यही बकरे जो उतरते हैं अभी आके ये पानी पीते हैं, और हम लोग खरीद के ले जाने के बाद, मैं एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो व्यापारी हूँ, लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने का मतलब ये है कि बकरे पानी पीते हैं और ये घर पे हमारे जाने के बाद बीमार पड़ते हैं, जो पीपीआर या निमोनिया बोले, क्योंकि ये पानी मैं खुद ही अपने आँख से देखा अभी आज भी, कि कई लोग उसके अंदर पैर धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, और वो पानी बाद में बकरे पीते भी है। बहरहाल वो मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन मुझे आपको बताना था एक चीज़, तो मैं बता रहा हूँ। ये मेरी जगह है जहाँ पर मैं लगाता हूँ कुर्बानी के टाइम पर, ये पूरा टुकड़ा रहता है मेरा, स्टेज बनता है यहाँ पर, और हम लोग यहीं पे अपना पूरा जो बकरों का एंटिक बकरे ला के बेचते हैं। तो आसिफ एसटीडी, ये पॉइंट है अलहमदुल्ला, उसके आगे ये धक्का गेट है, तो धक्का गेट के बिल्कुल सामने ही मेरी जगह रहती है। ये कट रोड साइड का है, जो लाइन में मेरी जगह रहती है उसके बैक साइड का है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो आप देख सकते हैं रोड पर भी इतना ज़्यादा पानी और कीचड़ हो जाता है, जो ख़रीदार आते हैं
वो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसीलिए काफ़ी ख़रीदार ऐसे हो गए हैं जो देवनार को अवॉइड करने लगे हैं, देवनार नहीं जाते हैं, और वो बाहर से या कोई लोकल एरिए से या फार्म से ही बकरे ख़रीदना पसंद करते हैं, क्योंकि देवनार में इंतज़ाम की इतनी ज़्यादा कुर्बानी के टाइम पे कमी हो जाती है और कीचड़, घान और गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप देख रहे हो, अभी तो कोई चीज़ स्टार्ट भी नहीं हुई है कुर्बानी के ताल्लुक़ से, क्योंकि कुर्बानी 12 तारीख को है और स्टार्ट आई थिंक 1 तारीख से गेट ओपन होगा, और अभी तक का देवनार में कोई काम देवनार की कुर्बानी के लिए अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की, उनका कहना है 15 तारीख से बाद जो भी काम होगा कुर्बानी का वो स्टार्ट होगा, तो अभी तक तो कोई चीज़ ऐसी नज़र मुझे नहीं आई है कुर्बानी के लाइक। एक कोटा वाइट में मुझे दिखा है, तो उसका रेट लेते हैं जो कुर्बानी के लाइक दिख रहा है मुझे। कितने का है? 40,000। 40,000 रुपया? चाचा आप ले रहे हो क्या? हाँ भाई मैं ले रहा हूँ। तो कितने में? 40 में? 14,000 रुपये में। ये एक फुल वाइट कोटा है, आई थिंक 55 to 60 केजी होगा ये, और ये जो व्यापारी का है वो इसे 40,000 में सेल करना चाह रहे हैं, और एक चाचा मिले मुझे जो उसे 14,000 में मांग रहे हैं, तो ये तो बहुत अजीब बात थी, इसलिए मैं देख के। कितने का बोल, हंस मत। 20,000 रुपये का? चल अच्छा बकरा है। अस्सलाम वालेकुम। चल तेरा नंबर बोल जल्दी। 8850616156। चलो अच्छा बकरा है माशाल्लाह। व्हाट्सएप नंबर 8655737127। अभी हम पीछे की तरफ जो मैदान है उधर आए हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हो मैदान में कोई भी कुछ किसी भी किस्म का काम स्टार्ट हुआ नहीं है, और वहाँ पे भैंस लोग घूम रहे हैं, तो ये बकरे का जो शेड लगता है पीछे बैक साइड पे मैदान में, ये वो जगह है। तो जहाँ तक कि मुझे मालूम पड़ा है 15 तारीख के बाद काम स्टार्ट होगा, तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीक में फिर एक वीडियो बनाएंगे और क्या इंतज़ाम हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो पूरा देखें, आपने बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह। फिर तोड़ देता है।